तो ये है कांकेर का सबसे खतरनाक घाटी। यहाँ से आप अंतागढ़ से चर्रे मर्रे वाटरफॉल जाएंगे तो ये घाटी आपको पार करके जाना होता है, और यहाँ पर कई सारे ऐसे अंधाधुंध मोड़ हैं जिससे आप गिर भी सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र छत्तीसगढ़। आज के इस वीडियो में मैं आपको कांकेर घाटी दिखाने वाला हूं, जो कि अंतागढ़ से 17 से 20 किलोमीटर दूर चर्रे मर्रे वाटरफॉल जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। तो गाइस, आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ से शुरू हो जाता है कांकेर का ये खूबसूरत और ख़तरनाक घाटी। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे अंधाधुंध मोड़ हैं जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए घातक साबित हो सकती है, इसलिए इसे खतरनाक बोल रहे हैं। और ये घाटी आपको तब पड़ेगा जब आप अंतागढ़ से लगभग 17 से 20 किलोमीटर जाएंगे चर्रे मर्रे वाटरफॉल के लिए, तो ये घाटी आपको पार करके जाना होगा। ये घाटी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और घुमावदार रास्ता है। तो अभी मैं फ़िलहाल बस से जा रहा हूँ, हमारी बस घाटी चढ़ रही है, और घाटी का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। आसपास पेड़ पौधे हैं, घने 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 जंगल हैं और बड़े बड़े चट्टान, और ये घाटी का खूबसूरत नज़ारा है। नीचे पूरा खाई है, घाटी के नीचे पूरा खाई है, अभी तो शुरुआत है, ऊपर पूरा चढ़ना बाकी है घाटी। तो अभी घाटी चढ़ना तो स्टार्ट हो गया है लगभग। बस में जा रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा होगा पीछे का। पीछे क्या है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, सब लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा माइक में। तो देखिए, आप हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर का ये खूबसूरत घाटी, आप जब भी चर्रे मर्रे वाटरफॉल घूमने के लिए जाते हैं तो आपको इस घाटी को पार करके जाना होगा। और घाटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये घने घने जंगल और चट्टानों की खूबसूरती आपको अपनी ओर खींच लेगी, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं चर्रे मर्रे वाटरफॉल का वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको घाटी घुमा देता हूँ कि कितना घुमावदार घाटी है और कैसा है ये घाटी, आप देखते रहिए वीडियो को। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, और फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि मैं अभी जा रहा हूँ चर्रे मर्रे वाटरफॉल घूमने के लिए। और जैसे ही हम शाम को इस रास्ते से आएंगे तो आप देख सकते हैं रास्ता पूरा अंधेरा हो चुका रहेगा, और रास्ते में तो लाइट वगैरह की सुविधा नहीं है अभी फ़िलहाल, और थोड़ा सा रोड ख़राब है, लेकिन बाइक के लिए सही है, और बस वस के लिए ये रास्ता सही नहीं है, बस और फोर व्हीलर के लिए। बस्तर संभाग के कांकेर ज़िले में कई सारे छुपे हुए वाटरफॉल है, उन्हीं में से एक है चर्रे मर्रे वाटरफॉल। चर्रे मर्रे वाटरफॉल जो है वो 12 महीने यहाँ पर वहाँ पानी रहता है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो, वहीं का होने वाला है चर्रे मर्रे वाटरफॉल का। ये देखिए, यहाँ पर एक जीप जा रहा है, तो नीचे आप इधर साइड तरफ देखेंगे तो पूरा खाई है, और घुमावदार घाटी चढ़कर जाना होता है चर्रे मर्रे वाटरफॉल के लिए। कुछ कुछ जगह सड़कें ऐसी हैं जहाँ एकदम ज़्यादा गाड़ी चलाना मुश्किल है। और कुछ जगह ठीक ठाक है सड़क, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बस के लिए और फोर व्हीलर के लिए सही नहीं है, बस के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है ये रोड। और सामने आप देख सकते हैं एक बंदर है, लेकिन बाइक के लिए बेस्ट है। और अगर आप जब भी आते हैं घाटी तो शाम होने से पहले, यानी कि अंधेरा होने से पहले घाटी से उतर जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और जंगली जानवरों के आने का डर रहता है।
आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह की और घूमने फिरने से संबंधित नए नए जगहों की वीडियोज़ मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।